हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो बहुत ज़्यादा गैप होने के बाद मैं ये व्लॉग लेकर आ रही हूँ, रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और एक्चुअली आज है कॉलेज में प्रैक्टिकल, सो जिन्हें फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल है। सो दिस इज़ द ग्रुप 3 और जिसको टास्क दिया गया है CLD डाइट प्रिपेयर करने के लिए, क्रॉनिक लिवर डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को कोई लिवर डिजीज़ हो जाती है सो किस तरह से उसकी डाइट को प्रिपेयर करना चाहिए। सो यहाँ पर एक साइड चार्ट प्रिपेरेशन चल रही है, दूसरी साइड डेकोरेशन की तैयारी चल रही है। सो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब आज का दिन काफ़ी इन्जॉय किया स्टूडेंट्स ने भी अपना डेकोरेशन करते करते। ये एप्रिन पहन के कौन करता है? हाँ, ये एप्रिन बाद में पहनते हैं। लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में साक्षी मैम तो उनका ज्वाइनिंग था उस दिन। सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक दिन पहले ही बोल दिया था कि जितने भी चार्ट्स हैं एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लेना। कुछ चार्ट प्रिपेयर कर लिए थे बट कुछ रह गए थे। क्रॉकरी वगैरह बच्चे ये रखिए, स्वाति नाम है ना आपका, दिव्या, यहाँ से क्रॉकरी यूज कर लेना। शॉपिंग वगैरह सब करने के बाद यहाँ पर अभी नंबर आते हैं कुकिंग करने के लिए। सो अकॉर्डिंगली सारी बच्चे कुकिंग करने के लिए अभी लग चुके हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं था टास्क पूरा होने के लिए और एक साइड मैंने कुकिंग स्टार्ट करा दी, दूसरे साइड बच्चे अपना डेकोरेशन का भी कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो ही गई है, बाकी सारी सीट्स वगैरह अरेंज करनी है। और चार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, सो मैंने खुद से ही करना शुरू कर दिया। बट द थिंग इज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग रही थी, सो मैं ज़्यादा कर नहीं पाई यहाँ पर। चीले का बेटर है ना। कुछ आइटम्स यहाँ पे ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, जैसे कि चीला बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर, और काशीफल की सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है यहाँ पर, चने उबलकर भी तैयार हो गए, और एक साइड चल रही है डेकोरेशन जो कि अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुई है और होने ही वाली है कम्प्लीट। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी की थी बच्चों ने। सो एक चीला रेडी होने के बाद मेरे स्टूडेंट ने बोला कि मैम एक बार चेक करके बताओ इसका टेस्ट कैसा है। सो रियली सभी को बहुत पसंद आया, मतलब बाद में भी जब बाद में सभी फैकल्टीज़ ने खाया था, बहुत टेस्टी चीला था, मतलब रियली रियली अमेजिंग। भाई मुझे तो कुकिंग आती नहीं है सो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका, बट रियली काफ़ी डिलीशियस था ये टेस्ट, तो मैं बता ही सकती हूँ। सो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। सही से हाँ जी, अच्छा हो गए। अच्छा, और दूसरी साइड यहाँ पर डेकोरेशन की भी तैयारी हो ही रही है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है, आप खुद देखिए इसमें। सारा सब कुछ डन होने के बाद हायर अथॉरिटीज़ को इनवाइट किया गया। फिर प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ। सम ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सेम, लाइक CLD क्या है, किस तरह से इन्होंने डाइट प्रिपेयर कर ली है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन, क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है सभी फूड आइटम्स के एंड ऑल। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन प्रैक्टिकल होने के बाद सभी ने अपना सर्विंग वगैरह किया और फिर अपना फूड इन्जॉय किया, काफ़ी डिलीशियस फूड था। इस ग्रुप की काफ़ी तारीफ हुई थी स्पेशली चीला के लिए। बस कॉलेज में तो आज पूरे दिन यही रहा, उसके बाद वी जस्ट कैम बैक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।